बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज का करते हैं शुरू। अगर तक मेरे चैनल पर नए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी करिएगा, शुक्रिया। रात का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग बाहर फुल अंधेरा हुआ पड़ा है। मेरा ना ऐसे कुछ खाने का दिल किया तो मैं जाके ना बर्गर की ना ब्रेड ले आया हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये लंबी भी ब्रेड है और गोल भी ब्रेड है। मेरा दिल कर रहा है जी मैं बनाऊँ बर्गर। ऐसे अपने खाने बर्गर दो खाओगे? मूसा ने भी खाने हैं बर्गर, मैंने भी खाने हैं बर्गर। तो बर्गर के लिए हमारे पास सामान आ गया, बर्गर के ब्रेड डब्बे भी मैं लेके आया हूँ। ये 12 पीस हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास ब्रेड तो बहुत ज्यादा बर्गर के। उसके बाद अपने पास है ये टमाटर और ये खीरा। दिल किया तो खीरे को काट के इसमें डाल देंगे छोटे छोटे स्लाइस करके, वरना ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पर है नी हमारे पास शामियाँ। शामियाँ मैंने गर्म कर ली हैं, सारी टोटो भज गई हैं, बस हम लोगों ने तो बर्गर भी लगानी है ना। खैर चलेंगी, ये पता नहीं 5 है मेरे ख्याल में, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये जो टूटी गया ना वो इसके साथ है। 5 है, 5। बर्गर बनाना जी शुरू करते हैं अब। टमाटर हम लोगों ने जिस तरह करते थे हम लोगों ने काट लिए हैं और देख सकते हैं अभी हमारा पास तवा आ गया। तवे के ऊपर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल क्योंकि हम लोगों ने कर लिया ब्रेड गरम, तो डल गया ऑयल। उसको सारे उसके ऊपर तवे के ऊपर खिला देते हैं। बंद मैंने 2 काट के रख लिए हैं, अभी मैं ये तीसरा बंद कर रहा हूँ। उतनी देर में ना ये ऑयल है ना ये भी गर्म हो जाएगा उतनी स्पीड से। मेरे ऐसे ब्रेड जितने जिस तरह कटे हैं मैंने काट लिए हैं। ये 1 है, 2, 3, 4, 5 है। अभी 5 को ये ऑयल लगाते हैं बारी बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहला, ये आ गया ए यहाँ पर। अब दूसरा करते हैं, ये देखें जो हमने सबसे नीचे नीचे यहाँ ब्रेड रखी थी ना वो सारी जल गई है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको सारी को सेट करना पड़ेगा, इसको सारी को उतार लेते हैं हम लोग। ये आखिरी ब्रेड हमारा बन जाएगा इंशाल्लाह, ये भी सही। हम बिस्मिल्लाह करके पहले ये ब्रेड के ऊपर ना ये लगाने लगे हैं शामी। दुआ करें बस अब पसंद आ रहे जिन जिन ने खाना है, लेंगे रिव्यू हम लोग इन लोगों से भी। देख के कैसा लग रहा मुसा? मज़ेदार। खा के कैसा लगेगा? बड़ा। तो तेन रहन देने फिर बाकी घर बन देने। ये केचप आ गई, मेरे केचप भी लगाता ना, केचप इसके ऊपर लगाएंगे ना। ओ यार अपन उल्टा साफ कर दिया सीट, पहले केचप उसके बाद ये इसका नाम क्या है, वो लगनी थी। इसको उल्टा कर देना फिर, कोई नहीं अब खैर अब चलेगा। इधर लगा दे, इसे घर में इधर लगा दे। नहीं नहीं बस ठीक है। टमाटर, ये हमारे टमाटर आ गए, ये दरमियान में डल थी नीचे भी डल ली थी। ये क्या केचप? केचप नहीं ये शामी हम लोगों ने इसको काटा ही नहीं है तो इसलिए ये आ गए। यहाँ पर 2 बहुत हैं क्योंकि इसकी ब्रेड छोटी है इसलिए। और अब आएगी मेन चीज मायोनीज़। ये कैसी आवाज निकाल रही है। इसको अब सारी के ऊपर ब्रेड के ऊपर लगाते हैं। या? हाँ जी, अगर आपको मेयोनीज के साथ लगानी थी वो फिर खीरे को लगा लें। मेरे वो खीरे नीचे वाली ब्रेड पे हैं, मेयोनीज उस वाली ब्रेड पे है। घर में बना के प्लीज ट्राई ना करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप लोग खाएंगे तो आप लोगों के हार्ट को कुछ भी कर सकते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला बर्गर ट्राई करता हूँ मैं। आप करोगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाना होती इसके ऊपर बस, इतना भेड़ा बने। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, ट्राई करके बताते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो खिलाता हूँ। ऐसा रिव्यू देना आया है किस तरह का बना?
एक बर्गर हम लोगों ने बनाया, मैंने, हैसम ने और मूसा ने खाया, भैया ने भी खाया, सारे कहते हैं मजा बनाया, तो मुझे भी लगता है मुझे भी बहुत मजा लगा। तो जल्दी और बनाते हैं बर्गर, यहाँ पर बन गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, टावर इतना सारा, एक दो तीन, ये चार, ये पांच, छः, सात, आठ बर्गर हैं टोटल ये। जब मैंने एक बर्गर बनाया ना और उसको हम लोगों ने खाया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक बर्गर के साथ हमारा गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैंने आठ बनाया। हम लोग चार भाई हैं, तो दो दो सबको होगा। कि थोड़ी तबीयत खराब है तो मम्मा सोई पड़ी हैं, अगर मम्मा उठी होती तो 12 ब्रेड थी हम लोगों ने मम्मा के लिए बना देना था, तो मम्मा सोई पड़ी हैं। अगर मम्मा उठी होती तो मम्मा को भी जरूर टेस्ट करवाते हैं, मम्मा सोई पड़ी हैं, तो भी खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। साथ ये वाइट वाइट चटनी भी है, रायता भी है, इस तरह के बर्गर के साथ ये रायता ना अच्छा लगता है। और कोल्ड ड्रिंक नहीं, सर्दियों का मौसम है, पानी चलेगा। कैमरा मैंने सेट कर लिया, ये आ गया अपने पास रायता, ये आ गया बर्गर, तो खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ये मुझे मन की साइड पर इसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी खा लेते हैं और इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शामी हो आप लोगों के पास, खीरा हो और टमाटर हो, रायता हो या ना हो चलेगा, बाकी केचप और मेयोनीज़ चलेगा। हैसन भी आ गया, मूसा भी आ गया, ओरिजिनल रिव्यू देना है। हैसन चलो आप। अगला दिन हो गया और देख सकते हैं आप लोग, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में हो गई थोड़ी सी इंजरी, मैं बॉलिंग भी नहीं कर पा रहा फास्ट बॉलिंग, क्योंकि स्कूल में मैं क्रिकेट खेल रहा था, फील्डिंग कर रहा था, तो सामने ना मैं बॉल पकड़ लगा, एकदम ना मैं इस तरह खड़ा समझे मेरा पाँव है, तो वो लड़का लगा मेरे में, यूं खड़ा था, ये पाँव है और ये टांग है, पहले टांग ऐसे हुई मेरी, पाँव ऐसे हुआ, उसके बाद से आगे को हो गया पाँव अच्छा खासा मुड़ गया, अब चला भी नहीं जाता। दो दिन हो गए हैं, गर्म पट्टी भी की थी, पहले तो इतनी दर्द हो रही थी ना कि मेरे से चला भी नहीं जाता था, अब इतनी हो गई है कि ना चल सकता हूँ और थोड़ा बहुत इसके ऊपर ना जोर दे सकता हूँ, बाकी अभी सीधा अगर चलने की कोशिश करूँ ना तो थोड़ा थोड़ा ना लंगड़ा के चलता हूँ, बाकी चल लेता हूँ कभी कभी सीधा। कि अभी देखो 5-6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, जितने दिन लगेंगे ना चाहे जब सेट होंगे उसके बाद फिर बॉलिंग करेंगे दोबारा। अभी बॉलिंग भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि पाँव पर एकदम जोर डालना ना, इतना भागूंगा तो भागा भी नहीं जाएगा और इतना जोर भी डालना ना पाँव पे, क्योंकि जब भागते हैं ना सारा जोर पाँवों पे आ जाता है। तो ये 2-4 दिन के मैच थे, ये सारे मैच कैंसिल हो गए हैं और आज जुम्मा है, तो आप सबको मेरे तरफ जुम्मा मुबारक। जुम्मे का भी हमारा मैच होता है अक्सर, तो आज का मैच भी कैंसिल हो गया मेरी वजह से, कोई भी नहीं खेलने गया कि मेरी टांग पर चोट लगी हुई है ना, क्योंकि मेरी टीम में से मैं बॉलर हूँ और एक मेरा कप्तान बॉलर है, तो फिर हम लोगों ने बॉलिंग करनी होती है, फिर वो सारे ओवर नहीं कर सकते, स्कोर ज़्यादा खा देंगे, और बैटिंग भी ज़्यादा कोई खास नहीं, फिर भी कर लेता हूँ अच्छा खासा स्कोर बना आता हूँ, तो इसलिए नहीं खेलने गए। अगर इंशाल्लाह इतवार तक ठीक हो गया तो इतवार वाले दिन तो ज़रूर जाएंगे खेलने के लिए और इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाएंगे। यूं था मैं स्कूल में खड़ा हुआ, बूट इस तरह पहने हुए थे और इस तरह, पहले मेरा पाँव मुड़ा ए इधर को, उसके बाद फिर ना इस तरह आगे को जोर आ गया, तो क्रिक क्रिक की 3-4 बड़ी आवाज़ें आई थी। स्कूल में मैं गिर गया था, फिर ताया वो भी वहाँ स्कूल में होते हैं ना और टीचर है, तो उनके पास गए, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिख दी, साइन वगैरह की, उसके बाद मैं घर आ गया। तो यही थी हमारी वीडियो, आज सारा दिन सुबह से नेट भी चल रहा था, कल किसी ने वहाँ से दरख्त काटा, दरख्त जब काटा ना तो बाहर तारें थी, वो तारों के ऊपर गिरा, वो मोटा मुड था, मतलब के पंजाबी में मोटे कहते हैं, वो बड़ा सारा था दरख्त, तो तारों पे गिरा, तारों के साथ खंभा भी गिर गया और हमारे नेट की तारें भी टूट गई, इसलिए वीडियो सुबह नहीं आई थी और वीडियो एंड भी करने वाली रहती थी, तो मैंने अभी एंड कर लिया। तो खैर यही थी हमारी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी चाहिएगा, तो इसी के साथ सुरेश मान को दीजिएगा जैसा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।